चलिए यार स्टार्ट करते हैं BRS का प्रैक्टिस सम क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। एडजस्टेड कैश बुक के साथ BRS हमारा मेन मुद्दा है और आज टू बैंक के साथ भी एक BRS का सम करेंगे। सो एडजस्टेड कैश बुक में अगर उसके बाद BRS बनाना है तो सारे ट्रांजेक्शन तो एडजस्टेड कैश बुक दो ही आइटम को छोड़ना होता है, एक बैंक मिस्टेक और टाइमिंग डिफरेंस। और बेटा टाइमिंग डिफरेंस पे भी दो ही आइटम आएगा, एक छे एक इशूड आपके यहाँ से बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एंड दूसरा आइटम है बेटा चेक डिपॉजिटेड, आपने कैश बुक में डिपॉजिट दिखा दिया बट बैंक पे अभी तक नहीं पहुंचा। बाकी के सारे आइटम्स कैश बुक पे। चलिए बेटा, ऑन 30 सितंबर 2017 बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, अंडरलाइन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरड्रॉन 4062, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरड्रॉन 4062, यानी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है बेटा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। ऑन सेम डेट बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस, पासबुक बोलता है फेवरेबल, पासबुक बोलता है फेवरेबल। और ये एडजस्टमेंट दिया है 1 2 3 4 5 6 7, यू आर रिक्वायर्ड टू सो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक, मतलब एडजस्टमेंट्स टू अराइव करेक्ट बैलेंस 30 सितंबर, प्रिपेयर BRS, BRS भी चाहिए। आइए बेटा आइडेंटिफाई कर ले करते हैं अपने, अ चेक डिपॉजिटेड दिस वॉज क्रेडिटेड बाई बैंक, तो बेटा ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया, BRS में आएगा 13,14,000। अ पेमेंट एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, एक पेमेंट आपने अ पेमेंट बाई चेक, आपने चेक से पेमेंट किया था, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, यानी आपने क्रेडिटर टू बैंक दो बार लिख दिया, आपने क्रेडिटर टू बैंक दो बार लिख दिया, तो एक बार लिखना चाहिए दो बार लिख दिया, ये आपका गलती है। एडजस्टेड कैश बुक में इसे सुधारेंगे आप लोग, क्रेडिटर्स टू बैंक लिख दिया आपने, अब इसको सुधारने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, बैंक टू क्रेडिटर 16,000, बैंक टू क्रेडिटर 16,000, ये एंट्री आपने क्रेडिटर्स टू बैंक दो बार लिख दिया, एक बार तो सही है, दूसरा के लिए रिवर्स करेंगे, बैंक टू क्रेडिटर 16,000, बैंक टू क्रेडिटर 16,000, ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर बैंक क्रेडिटेड 1,74,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बैंक पे कस्टमर ने पैसा जमा किया और 1 अक्टूबर तक पता ही नहीं चला, तो ये एडजस्टेड कैश बुक का है, कस्टमर पैसा देता है तो लिखते हैं बैंक टू डेटर 1,17,400, 1,17,400, तो आप लोग भी लिखते चलिएगा। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी एडजस्टेड कैश बुक का है, बैंक चार्जेस टू बैंक 580। ऑन 6 सेप्टेम्बर बैंक क्रेडिटेड 2x इन एरर, तो बेटा ये BRS में आएगा, बैंक मिस्टेक, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 डिस्काउंटेड बाई एक्स विथ हिज बैंक, बिल डिस्काउंट किया था एक्स ने, डिसऑनर्ड हो गया 28 सेप्टेम्बर को, नो एंट्री हैज बीन मेड, तो ये तो बेटा हम लोग को ही लिखना पड़ेगा, बिल्स वाला चैप्टर में हम लोग सिखाएंगे आपको, बिल्स वाले चैप्टर में सिखाएंगे आपको, बिल्स वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से सिखाएंगे। अभी आप लोग चेक बिल्स
डिस्काउंटेड करते, बैंक से पैसा ले लेते और डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बैंक हमसे पैसा काटेगा और हम लोग अपने पार्टी से पैसा लेंगे। डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बैंक, आपका बैंक से 1,40,000 कट जाएगा। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा डिटेल में आने वाला है, आप लोग टेंशन नहीं लेना। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड है तो ये टाइमिंग डिफरेंस बीआरएस में आएगा, बीआरएस में आएगा बेटा, बीआरएस में आइए। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बैंक कॉलम। बाई बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट दिया है बेटा, ओवरड्राफ्ट 30 सितंबर का ही लिखेंगे। बाई बैलेंस बीडी 4062 और क्या आएगा बेटा, पॉइंट नंबर 2, क्या लिखे थे बेटा, 2 बैंक टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर अकाउंट 16,000। नेक्स्ट बेटा आइटम, कस्टमर से पैसा मिला उसका एंट्री नहीं किए थे, टू डेटर्स, अमाउंट बेटा 117,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक ने चार्जेस लिया आपने एंट्री नहीं किया, बाय बैंक चार्जेस 580। नेक्स्ट बैंक क्रेडिटेड एरर नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड था तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड था तो बाय डेटर बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड 1,40,000 और बच गए कौन कौन से आइटम बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं आएगा, 6 हो गया, 7 बी आर एस पे। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, बैलेंस कीजिए, बैलेंस करके बेटा 2 बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर कितना बोला बेटा 11,242। ये 30 सितंबर था तो 1 अक्टूबर बाय बैलेंस पीडी 11,242। फटाफट लिख लो, इसके बाद बीआरएस ट्राई करो बेटा। ट्राई करना बीआरएस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से।
ये हो गया। नाउ बेटा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक 11242, ओवरड्राफ्ट एज पर एडजस्टेड कैश बुक 11242। आपको पता है बेटा, ओवरड्राफ्ट है, पैसा जमा करने से ओडी कमेगा और पैसा विड्रॉ करने से ओडी बढ़ेगा, आपकी बार बैंक इंटरेस्ट लेगा। तो कौन कौन सा आइटम छोड़ दिए थे? अ चेक डिपॉजिटेड वॉज क्रिएटेड बाई बैंक थर्ड, अपने सेप्टेम्बर में चेक जमा किया तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया, बैंक पे नहीं आया, तो क्या करेंगे बेटा? प्लस कितना? 13,14,000। और कौन सा आइटम छोड़े थे बेटा? कौन सा आइटम छोड़े थे? बैंक चार्जेस लिया, पासबुक में ओडी बढ़ गया, कैश बुक में नहीं है, बैंक चार्जेस लिया, पासबुक में ओडी बढ़ गया, कैश बुक में नहीं है। ये तो हो गया था बेटा। नेक्स्ट, फिफ्थ, बैंक क्रेडिटेड, बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट किया, बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट करने से पैसा जमा होता है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट कम गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो माइनस कर देंगे बेटा। मिलाने के लिए अमाउंट है बेटा 20,000। यस, 20,000। नेक्स्ट है बेटा, चेक इशू किया था, नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू करने से कैश बुक में ओडी बढ़ गया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, तो माइनस माइनस 13,26,000। अभी टाइम को प्लस माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव पे आंसर आएगा, नेगेटिव पे, और नेगेटिव पे आंसर आएगा 20758। आप ओवरड्राफ्ट से शुरू किए थे और नेगेटिव पे आंसर आ रहा है, आप ओवरड्राफ्ट से शुरू किए थे और नेगेटिव पे आंसर आ रहा है, दिस इज़ फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, दिस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 20758। फटाफट मिला लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप हो गया होगा बेटा। ये 23 था, अब हम लोग 21 देखेंगे बेटा। 21 सेम सम, 21 इज सेम सम बेटा, फिगर डबल है। आप ये
नवंबर 19 पे आया था बेटा, ये होमवर्क ले जाएंगे आप लोग, ये सम 21 होमवर्क ले जाएंगे, 21 होमवर्क। अब चलते हैं बेटा 22, P22, यस सर, कुछ डाउट है? ओके पूछो। P22, बाकी बच्चे P22 देखे, अब स्टार्ट करेंगे अपने। सेम बेटा, टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक प्रिपेयर बीआरएस अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी There was balance of 44,50,000 in his bank. 44,50,000 balance है, कुछ नहीं बोलेगा तो गरीब का फेवरेबल बैलेंस, कभी भी कुछ नहीं बोलेगा कैसा बैलेंस है, तो हमेशा फेवरेबल बैलेंस लीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड चेक अमाउंटिंग 6 लाख इशू टू क्रेडिटर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा टाइमिंग डिफरेंस कहाँ आएगा? बीआरएस चेक पेड इन टू बैंक, पेड इन टू बैंक डे वन से सिखाते आ रहे, डिपॉजिटेड आउट ऑफ विच 5,50,000 कलेक्टेड अप टू, ये भी टाइमिंग डिफरेंस बीआरएस पे आएगा। अ डिविडेंड 40,000 रेंट 6 लाख रिसीव बाई बैंक एंटर्ड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक पे आएगा बेटा। डिविडेंड का एंट्री लिख लीजिए, बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट का एंट्री लिख लीजिए, बैंक टू रेंट रिसीव्ड, बैंक टू डिविडेंड रिसीव, बैंक टू रेंट रिसीव्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक दिसंबर तक, ये मत सोचिएगा ये प्री पेड है, हम लोग जून तक का कर रहे हैं। बेटा पेड हो गया तो कोई बात नहीं, आप फाइनल अकाउंट बनाते समय दिमाग लगाना प्री पेड वगैरह, अभी प्रीमियम पेड है तो डायरेक्ट, ये तो एडजस्टेड कैश बुक का है, कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड। इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 27,000, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कैश बुक का पेमेंट साइड गलती है, कैश बुक मिस्टेक है, तो हम लोग पेमेंट साइड पे, पेमेंट साइड पे बाई अंडर कास्ट या बाई एरर डाल देंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, कैश बुक का पेमेंट साइड कम दिखाया तो और दिखा देंगे अपने। बैंक चार्जेस इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी एडजस्टेड कैश बुक का आइटम है बेटा। बैंक चार्जेस तो एंट्री होगा बेटा, बैंक चार्जेस टू बैंक इन द लास्ट ट्रांजेक्शन, अ बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैड बीन पेड बाई बैंक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
अब बिल पेबल हमारा कोई बीपी था, बैंक ने पे कर दिया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल्स पेबल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये कैश बुक में लिखना पड़ेगा बेटा आपको बीपी टू बैंक 2 लाख एंड BR 60,000 हैव बीन डिस्काउंटेड विद बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000। बेटा 60,000 का BR था, 1,000 डिस्काउंट किया बैंक ने, 1,000 काट के 59 डाला, विच हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने बिल डिस्काउंटेड किया वो आपने लिखा ही नहीं, तो बेटा बिल डिस्काउंटेड का एंट्री हम लोग बिल्स पे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी बैंक पे 59,000 आएगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल 1,000 टू BR 60,000। आपने 60,000 का बिल डिस्काउंट किया 1,000 कॉस्ट पे, आपने 60,000 का बिल डिस्काउंट किया 1,000 कॉस्ट पे, तो आपके बैंक पे 59,000 आएगा, 59,000। ये एडजस्टेड कैश बुक का है। टू मेक appropriate एडजस्टमेंट इन कैश बुक, कैश बुक का एडजस्टमेंट कीजिए और फिर BRS बनाना है आपको, BRS बनाना है आपको। तो चलिए बेटा फटाफट आप लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाइए। आप लोग एडजस्टेड कैश बुक फटाफट बनाएंगे। फिर उसके बाद BRS भी बनाना है आपको। क्विक क्विक जल्दी जल्दी बनाना बेटा। BRS का दो ही आइटम है, वन और टू, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सब कैश बुक। फटाफट करो बेटा।
एडजस्टेड कैश बुक आप लोग मिलाइए, एडजस्टेड कैश बुक मिलाना है बेटा। टू बैलेंस बीडी 44,50,000 दिया था, 1 और 2 तो बीआरएस का है, 3, 2 डिविडेंड रिसीव्ड, 2 रेंट रिसीव्ड, 4 नंबर बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, 5 नंबर बैंक चार्ज, ओके अंडर कास्ट, बाई अंडर कास्ट या बाई एरर पेमेंट साइड कम है तो दिखा देंगे। बैंक चार्ज लिया बाई बैंक चार्जेस 1,500, बीपी बाई बीपी 2 लाख, और ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कोई 60,000 मत लिख देना, 60,000 नहीं लिखना बेटा। आपने बिल डिस्काउंट किया तो बैंक अकाउंट में 59,000 आया, तो 59,000 ही लिखना है आपने, 60 नहीं लिखना। तो ये अभी आ गया बैलेंस, ये फेवरेबल बैलेंस है बेटा, फेवरेबल बैलेंस 49,15,500 इज फेवरेबल बैलेंस, 49,15,500। नाउ अब आपको इससे बीआरएस बनाना है, तो दो ही तो आइटम था बेटा, चेक इशूड तो कैश बुक कम गया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ तो कैश बुक को बढ़ा दिया 6 लाख। नेक्स्ट है बेटा चेक पेड, डिपॉजिट किया 11,05,000 बढ़ गया, बट उसमें से 30 जून तक 550 ही आया तो डिफरेंस हो गया 5,55,000 माइनस। कंप्लीट कर लीजिए बेटा, आज तो पूरा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, कुछ नया सीखने नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग 2 बैंक के साथ भी एक सम जो पेंडिंग है करेंगे, और कुछ है नहीं आज। अब तो अच्छा वही मिलेगा जब लास्ट 2 सम्स है, कैश बुक पासबुक दिया रहेगा। फटाफट कंप्लीट कर लो बेटा।
चलिए बेटा नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम पे अगर दो बैंक के अकाउंट के साथ बीआरएस परफेक्ट लिमिटेड परफेक्ट प्राइवेट टू अकाउंट विद एवर बैंक द अकाउंट्स आर नोन एज अकाउंट वन अकाउंट टू। 31 दिसंबर को ये बैलेंसेस दिखाए जा रहे बेटा। अकाउंट वन रेगुलर बैलेंस है 125 और अकाउंट टू ओवरड्राफ्ट। बेटा बड़ा कंफ्यूजन आएगा, पहले पूरा वन का बिंदास करेंगे अपने, वन का होने के बाद फिर अकाउंट टू पे चलेंगे। तो वन का रेगुलर बैलेंस है और कॉमन सिंपल सम है, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना है, एकदम नॉर्मल सम है। अकाउंट फेल्ड टू अकाउंटेंट फेल्ड टू टैली द बैलेंस विद पासबुक एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट। टू नहीं, टू नहीं, टू नहीं, टू नहीं, अभी टू नहीं। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन वन दिस नॉट रिकॉर्डेड बाई अकाउंटेंट। बैंक ने क्रेडिट किया है, इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक इंटरेस्ट दिया है तो बेटा अकाउंट वन पे पासबुक में पैसा बढ़ गया, कैश बुक में नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा? प्लस 12,500 ड्रॉन फ्रॉम वन, ड्रॉन मतलब इशूड, 12,500 इशूड फ्रॉम वन वॉज रिकॉर्डेड इन बैंक इन बुक्स इन टू। बेटा ये मेरा वन का अकाउंट है, वन 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 का कैश बुक, वन का पासबुक, वन से चेक इशू किया था, कैश बुक में टू में लिख दिया, वन से चेक इशू किया था कैश बुक में वन पे नहीं लिखा, लेकिन बैंक पे तो पैसा कम जाएगा, पासबुक से तो पैसा कम ही जाएगा, तो कैश बुक को मिलाने के लिए क्या करें बेटा? माइनस, वन से चेक इशू किया था, टू में लिखा, वन पे नहीं लिखा, वन से चेक इशू किया था, टू में लिखा, वन पे नहीं लिखा, तो कैश बुक नो चेंज, पासबुक कम गया, तो क्या करूं बेटा, क्या करूं बेटा, क्या करूं बेटा? माइनस, बैंक चार्जेस लिया 150 वन से नॉट रिकॉर्डेड, बैंक चार्ज लिया, पासबुक कम गया, कैश बुक में नो एंट्री, माइनस माइनस अ डिपॉजिट इन वन रॉन्गली इंटर्ड इन अकाउंट इन बुक्स टू। ये वन है बेटा, डिपॉजिट किया था वन पे, डिपॉजिट किया था वन पे, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन टू, टू में लिख दिया तो वन पे लिखा ही नहीं, डिपॉजिट किया था टू में लिख दिया तो वन पे लिखा ही नहीं, लेकिन बैंक में तो बढ़ गया होगा, तो यहाँ भी क्या करें बेटा? प्लस पॉइंट ई बड़ा टेक्निकल है, लास्ट में चेक इशूड फ्रॉम वन नॉट प्रेजेंटेड। ये तो बड़ा सिंपल है, चेक इशू किया तो कैश बुक कम गया, कैश बुक कम गया, नॉट प्रेजेंटेड, तो प्लस कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड वन जनवरी पे, दिसंबर पे और बैंक पे आया फरवरी पे। बेटा इसमें ईयर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 21 है तो ईयर थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग इसको 1995 कर लेंगे। आइए, चेक डिपॉजिट किया था बेटा हम लोग 95 दिसंबर पे, बैंक पे आया फरवरी में, तो कैश बुक बढ़ गया था तो एंट्री नहीं हुआ बैंक पे, माइनस बेटा, फटाफट प्लस माइनस करके आंसर निकाला। लेकिन सबसे मेन एडजस्टमेंट ये समझेंगे, टू चेक्स 12,500 13,750, टू चेक्स 12,500 का और 13,750 का, डिपॉजिटेड इन वन, वन पे डिपॉजिट किया, रिकॉर्डेड इन टू,
वन पे डिपॉजिट किया बट आपने टू में लिखा डिसऑनर्ड। वाओ, आपने वन पे डिपॉजिट किया, वन पे कैशबुक पे नहीं लिखा, बैंक पे भी डिसऑनर्ड हो गया, बैंक पे भी एंट्री नहीं हुआ, कैशबुक पे भी नो एंट्री, अकाउंट वन पे कैशबुक अकाउंट वन नो एंट्री, डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक भी नो एंट्री। द एंट्रीज फॉर डिसऑनर्ड भी टू में किया, डिसऑनर्ड का एंट्री भी टू में किया, तो वन पे डिपॉजिट का भी एंट्री नहीं, डिसऑनर्ड का भी एंट्री नहीं, बैंक पे भी नहीं। पहले कहीं पे सेल्फ नोट अपने लिए लिख के रखो, वन पे डिपॉजिट का भी एंट्री नहीं, डिसऑनर्ड का भी एंट्री नहीं, कैशबुक पे कैशबुक वन पे डिपॉजिट का भी एंट्री नहीं, डिसऑनर्ड का भी एंट्री नहीं, और बैंक पे भी नो एंट्री। तो डिफरेंस ही नहीं आया, तो बेटा डिफरेंस ही नहीं आया, डिफरेंस ही नहीं आया बेटा, तो प्लस माइनस नहीं करना है। फटाफट कैशबुक का हेडिंग देना बीआरएस ऑफ अकाउंट नंबर वन, टन इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर अकाउंट टू को लेंगे अपने। कंप्लीट करो बेटा जल्दी जल्दी। बेटा ये आंसर मैच हो रहा है,
अब अपने चलेंगे अकाउंट नंबर टू, ओवरड्राफ्ट है बेटा, ओवरड्राफ्ट। देन एवरीवन, देन अब इस क्वेश्चन को अपने फिर से मिटा देते हैं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अकाउंट टू ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कमेगा, चेक इशू करेंगे, विड्रॉ करेंगे, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। आइए, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया है, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, कैश बुक में नो एंट्री, तो प्लस कर देंगे। ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ड्रॉन फ्रॉम वन, इशू किया था वन से, रिकॉर्डेड इन टू। बेटा ये टू 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 टू, ये आप, ये अकाउंट टू का हाथ है बेटा, ये अकाउंट टू का हाथ है। आपने चेक इशू किया था वन से, वन से कैश बुक में टू में लिख दिया, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट आपने टू में लिख दिया, टू में लिख दिया, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, बैंक तो कुछ नहीं करेगा टू में, तो माइनस 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 12,500, माइनस 12,500। यह आसान है, बैंक ने चार्ज लिया तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ा देंगे। प्लस 1,125, फिर से डिपॉजिट किया था वन पे, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन टू, ये टू है बेटा, टू अकाउंट टू का कैश बुक, अकाउंट टू का पासबुक, आपने वन पे जमा किया था, वन पे जमा किया था, वन पे जमा किया था, आपने टू पे लिख दिया, वन पे जमा किया था, टू पे लिख दिया। ओवरड्राफ्ट कैश बुक में कम कर दिया, बैंक तो करेगा ही नहीं, तो प्लस। चेक इशू किया था आपने अकाउंट टू से, चेक इशू किया था अकाउंट टू से, नॉट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया था, नहीं हुआ तो माइनस। बेटा आसान है ये सब, अब तो चेक डिपॉजिट किया था आपने, कैश बुक में ओडी कम कर दिया था, नहीं आया तो प्लस कर देंगे बेटा। अब फिर ये वाला आइटम, टू चेक्स, डिपॉजिट किया था वन पे, कैश बुक में लिख दिया टू पे, वन पे डिपॉजिट किया था, कैश बुक पे टू पे लिख दिया, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम गया, बैंक तो कभी डिसऑनर्ड है, बैंक तो टू में एंट्री करेगा नहीं, फिर डिसऑनर्ड हुआ तो डिसऑनर्ड का भी एंट्री आपने कैश बुक में कर दिया, तो आपने कैश बुक में एक बार ओवरड्राफ्ट कम किया, डिसऑनर्ड का एंट्री कैंसिल करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, और पासबुक के तो हो गए नहीं, नो एंट्री, नो इफेक्ट बेटा। आपने चेक डिपॉजिट किया था वन पे, टू पे लिख दिया, ओडी कम गया, डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड भी टू में डाल दिया, बैंक पे तो लिखे गए नहीं, ये ट्रांजेक्शन्स का नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट। फटाफट मिला लीजिए आंसर, बताइए, मैं भी शेयर कर रहा हूँ आंसर।
कंप्लीट करो बेटा। आओ बेटा आंसर मिला लेते हैं। इलेवन थ्री सेवन फाइव प्लस किया 1,200 माइनस 1,125 प्लस 17,500 माइनस ई का नो इफेक्ट एफ 15,000 माइनस जी 1,17,500 प्लस। बेटा ये आ रहा है क्या देख लेना फटाफट मिला लो। और बेटा सी इंस्टीट्यूट के सारा सम सब आप ट्राई कर सकते हो, सब ट्राई करना, आरटीबी भी प्रैक्टिस करना और जो होमवर्क दिए जरूर से उसको करना। कौन सा सम था बेटा? P21 नवंबर 19 पे आया हुआ एग्ज़ाम पे। आज यहीं रोकते हैं बेटा।